गुड मॉर्निंग गाइस। तो आशा करता हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सुंदर नज़ारे देखे पहाड़ी स्थान। रात को बारिश हुई थी, कल आपने देखा कि केदारनाथ में भैरवनाथ जी की पूजा हुई और आज सुबह अब डोली निकलने वाली है। तो दिस इज़ डे 3 और सामने देखे रात भर बारिश हुई है लेकिन सुबह भगवान भोलेनाथ की कृपा देखे पूरी की केदार वैली है, पूरी केदार वैली में बर्फ़ गिरी हुई है। और यहाँ से आज ओमकारेश्वर सामने जो मंदिर है वहाँ से हम जाने वाले हैं गुप्त काशी पैदल यात्रा है। तो हम सारा सामान छोड़ रहे हैं यहीं बाइक और अभी हम जाएंगे डोली के साथ गुप्त काशी तक और उसके बाद जो है वहाँ से वापस अपनी सामान लेने आएंगे और नाइट स्टे होगा गुप्त काशी में। तो बने रहिए आप मेरे साथ और चलते हैं सीधे मंदिर में। जैसा कि आपने देखा अभी जो है ना डोली निकल चुकी है यहाँ से और अब हम यहाँ से डोली के साथ ही जाने वाले आगे गुप्तकाशी के लिए। तो भैया जी फाइनली आपका केदारनाथ का जो डोला है वो ऊखी मठ से निकल चुका है और ऊखी मठ से डोला यात्रा शुरू हो गई लेकिन अपने को मिल गए भैया, अपने को प्यार करने वाले अपने छोटे बड़े सारे भाई लोग, अपना प्रोफेसर एक्सप्लोर, अपना अमित नेगी और भैया का नाम क्या है? चिराग। आपका नाम क्या है? तो भाई देखो अभी ये उत्तराखंड की यात्रा शुरू हुई है, पहले ही दिन हम इतने सारे क्रिएटर से मिल गए। अभी तो बहुत सारे क्रिएटर मुझे मिले थे, अभी क्या ना आप बैंड बज रहा था तो ज़्यादा हम बोल नहीं पाए। तो एक काम करते हैं भाई लोगों के साथ अपनी इस केदारनाथ यात्रा की शुरुआत करते हैं, बाकी अब हम चार पाँच दिन साथ में ही हैं तो हमारी गुफ्तगु सब चलती रहेगी। सो गाइस मैं निकला हूँ बाइक से कुछ सामान वहाँ गुप्त काशी तक पहुँचाने और साथ वाले मेरे भाई जो लोग हैं ना वो गए हैं पैदल। तो अभी यहाँ पर से हम जो है कुंड न जा करके सीधे यहाँ से कालीमठ वाली रोड के लिए कटेंगे और सीधे पहुँचेंगे उस पार। गाइस देखो रोहित भाई गाली दे रहे हो कहाँ से ले आए, लेकिन ये रास्ता ना बताया गया था हमें कि यहाँ से यहाँ देखो गाइस कितना खतरनाक है ये रास्ता, लेकिन मज़ा आ गया इस रास्ते से यार। बाइक से आधे रास्ते और देखिए जो यात्रा है जो भगवान केदार की क्या बोलते हैं हम इसे चल विग्रह है उत्सव जो यात्रा होती है वो पहुंचने वाली है हमारे ऊखीमठ से गुप्त काशी। तो सामने साक्षात भगवान श्री केदार की जो डोली है वो आ रही है, आप देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय।
सो गाइस ये है विश्वनाथ टेंपल, जहाँ पर गुप्त काशी में भगवान केदार का जो पहला पड़ाव है, यहाँ पर जय डोली गया। तो सभी लोग बेसब्री से भगवान श्री केदार के इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ मान्यताएँ हैं, सारे लोग पूरी कर रहे हैं। तो देखें काशी विश्वनाथ मंदिर में। Thank you.
गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, और अब हम कल कहां जा रहे हैं? इतना ही क्यों इस ब्लॉग में? इस ब्लॉग में बहुत लोग आ गए, अभी और भी जा रहे हैं। अभी हम चाय पियेंगे ना पहले एक बार। अच्छा, अभी चाय चाय पियेंगे साथ में सब लोग, उसके बाद जाके रहेंगे, क्योंकि रोहित पहाड़ी को रात को चाय पीने की आदत है। पता है रोहित पहाड़ी को, रोहित पहाड़ी के साथ ना नंबर एक सर को भी बहुत चाय पीने की आदत है। दो में चाय पीने गए थे ना गोवा। और जो ये सारे लोग इस मंदिर में आए, इनको घुमक्कड़ इंडियन बोलते हैं, क्योंकि लोग घूमते रहते हैं और हम इंडियन है, तो घुमक्कड़ इंडियन हम आप सब लोग घुमक्कड़ इंडियन। और हमारे साथ ये थोड़ा प्रोफेशनल, हमारे साथ प्रोफेसर भी बोलते हैं, प्रोफेशनल प्रोफेसर। और इन सबको आप अरदीप के चैनल पे देख सकते हो, पूरा चैनल तो अरदीप का है। कर दी ना मक्खी। तो गाइस सब लोग हो गए इकट्ठे, एक चाय के बहाने मिले थे। अब ये लोग ना ये ब्यूटी गन लेके घूम रहे हैं। ये रोहित भाई और ये है द्रोर भाई, और ये देखो ये क्या कर रहे हैं भाई। ये कमरे अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो भाई। पहले वो छोड़ो, ये जो रूम का साइज है ना, ये रूम का साइज देखो कितना छोटा सा रूम है, और यहाँ भर भर के लड़के आ गए। भर भर के रूम दिल में जगह, सही बात है भाई, दिल बड़ा है यार, दिल तो फ्लैट है यार। सो गाइस सीन कुछ ऐसा हो गया था कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया हम लोगों को, तो अभी मैं वापस आ गया हूँ अपने गेस्ट हाउस में। और आज के लिए इस केदारनाथ यात्रा के फर्स्ट डे, जो कि सेकंड डे था, अरे बंदर डरा रहा है सामने से, ओके तो इसमें इतना ही, और हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो कि कल सुबह से सेकंड पड़ाव स्टार्ट होगा, जिसमें कि हम जाने वाले हैं यहाँ से गुप्तकाशी से फाटा। तो फाटा वाले ब्लॉग में आपसे मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, एंड गुड नाइट।